हेलो फ्रेंड, मैं शशि राही स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हाउ टू अनइंस्टॉल अनवांटेड फॉन्ट हमारे सिस्टम में, कोरल ड्रॉ में या फिर हमारे कंप्यूटर में। अननेसेसरी फॉन्ट्स बहुत सारे इंस्टॉल होते हैं जिससे हमारे कोरल ड्रॉ की और हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हमारे जो सिस्टम में फॉन्ट्स पड़ी होती हैं वो हमारे लिए कई बार यूज़फुल नहीं होती, हम उसका यूज़ ही नहीं करते, बट वो इंस्टॉल होने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बिगाड़ती है। तो हम उसको कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मुझे सपोर्ट करें, मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले एक जो जर्नली जो लोग करते हैं उस तरीके से मैं आपको यहाँ एक पहले वो मेथड वन बताता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप माई कंप्यूटर पर जाएंगे और यहाँ सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे। आप कोई भी विंडो यूज़ कर रहे हो, विंडो सेवन, विंडो एट, विंडो टेन, कुछ भी, तो आप सी ड्राइव में जाएंगे। यहाँ आपको करना है विंडो फॉर्मेट पे, विंडो फोल्डर पे क्लिक, और यहाँ आपको एक फॉन्ट का फोल्डर मिलेगा। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो उसको रिकॉग्नाइज करने में, सिस्टम को रेंडरिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, करीब 1.5 मिनट लग जाता है। उसके बाद ही आपको सारी फॉन्ट्स शो होंगी। यहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ मेरे सिस्टम में अननेसेसरी फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जो मैं यूज़ भी नहीं करता, बट उन्होंने सिस्टम में जगह घेरी हुई है और कोरल ड्रॉ के परफॉर्मेंस में वो काफ़ी मतलब इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ वो श्री है, श्री की फॉन्ट है और देव, ठीक है, मैं इन फॉन्ट्स का यूज़ नहीं करता बेसिकली। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ पहले देव, ठीक है। यहाँ इसने सारी जो देव के जितने भी फॉन्ट्स है वो मुझे दिखा रहा है, और मैं किसी एक पे भी राइट क्लिक करके ऐसे इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो एक तो वो पता नहीं चलता कि डिलीट हुई है या नहीं हुई है, और उसके बाद ये देखिए आप बहुत रेंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम लगाता है, और एक तरीका एरर भी ये आपको दिखाता है। ये सारी ये श्री की फॉन्ट्स हैं, हिंदी की फॉन्ट हैं, और ये मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं किसी एक को इस तरीके से डिलीट करता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं ये एक तरीके का एरर दिखाता है कि कांट बी डिलीटेड बिकॉज इट इन यूज, ठीक है। पता नहीं किस तरीके का एरर दिखाता है जबकि मैंने इसे कहीं यूज़ नहीं किया हुआ। तो वो जो सेकंड तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो प्रोफेशनल भी है, बहुत फास्ट काम करता है वो, और आपको बहुत से लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे। तो आपका कोरल का ही एक प्रोडक्ट होता है फॉन्ट नेविगेटर, ठीक है। फॉन्ट नेविगेटर के थ्रू हमें फॉन्ट इंस्टॉल करनी चाहिए और फॉन्ट को अनइंस्टॉल करना चाहिए। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दो कैटेगरी होती हैं, ये होती हैं फाइंड फॉन्ट और ये होती हैं इंस्टॉल्ड, यानी कि जो भी यहाँ फॉन्ट दिखा रहा है ये पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब आप कोरल ड्रॉ में या फिर अपने सिस्टम में फर्स्ट टाइम आप फॉन्ट्स को इंस्टॉल करोगे तो आप कैसे करोगे, फाइल में जाएंगे और फाइंड फॉन्ट, ठीक है। जिस भी लोकेशन में, जिस डेस्टिनेशन में आपकी जो फॉन्ट है वो जहाँ भी है वहाँ आप उसको चेक लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। आपका कहीं भी कोई भी फॉन्ट होगी ये सब आपको एक जगह दिखा देगा, और ये इसकी आप A to Z यानी कि A से लेकर Z तक आप उसकी कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हो। सिंपली फिर उस पर आप राइट क्लिक करोगे या फिर आप Ctrl A से सारे, अगर आपको सभी को करना है तो आप पर्टिकुलर Ctrl A करके कर दीजिए, अगर आपको सिलेक्टेड फॉन्ट करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इंस्टॉल, ठीक है। तो जो भी इंस्टॉल होंगी वो फॉन्ट यहाँ आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं अनइंस्टॉल के लिए। जिस भी फॉन्ट ग्रुप को आपको यहाँ से अनइंस्टॉल करना है, चाहे वो श्री, कुर्ती, देव, ठीक है, जिसमें बहुत सारी फॉन्ट्स होती हैं, AA सुपर वगैरह, AA अमन वगैरह, किसी का भी आपको फॉन्ट फैमिली का, अगर आपको फॉन्ट एक संग अनइंस्टॉल करना है तो आप सिंपली, जैसे मुझे देव का करना है, देव का जो फॉन्ट है वो अननेसेसरी है मेरे इसमें, तो मैं D दबाऊंगा तो देखिए यहाँ आपको ऑटोमेटिकली एक सर्च मिल जाएगा, फिर आप DEV, ठीक है। तो देव के सारे जो फॉन्ट्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप सिंपली आप एक कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक पे क्लिक करिए, और अब आपको जो आपका अप डाउन राइट लेफ्ट जो माउस उस कीबोर्ड का जो बटन है तो आपको उसको ऐसे करना है, इसको दबाए ना, तो देखिए वो शिफ्ट को आपको दबाए रखना है और जो माउस जो कीबोर्ड का कीबोर्ड का जो नीचे वाला बटन है उसको आपको डाउन एरो जो है उसको आप दबाए रखिए। तो देखिए ये जितने भी देव के जो फॉन्ट्स हैं वो एक संग सेलेक्ट होते चले जाएंगे, और आपको जहाँ तक जो भी फॉन्ट, जैसे कि देव के इसमें 100 फॉन्ट हैं जो अननेसेसरी हैं, वो मैंने इसमें क्लिक कर लिए हैं, उसको सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आप एडिट में फाइल में जाके आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके भी इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ तुरंत आपको उसका रिस्पांस मिलता है, तुरंत वो फॉन्ट अनइंस्टॉल होता है, और आप उसको अगर उसको आप क्लोज कर दोगे और फिर अपने कोरल ड्रॉ को आप एक बार क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे तो वो फॉन्ट आपको वहाँ विजिबल नहीं होगा।